तो गाइस चलाते चलाते मैंने भी एक अच्छी सी जगह देखी, बिल्कुल साइड में। तो मैं इस गाड़ी को बिल्कुल नीचे उतार रहा हूँ धीरे धीरे, और मुझे राइट भी लेना है। और बिल्कुल ही नैरो रोड है, बिल्कुल नैरो वाले रोड पे चला रहा है। वो सामने जो आपको दिख रहा है ना, मुझे वहाँ से ले जाना है। अब मैं इसको धीरे धीरे ले जाऊँगा गाइस। देखिए अभी रोड बड़ा हो चुका है, अब बिल्कुल फ्लैट ही है। तो हम इसको भगाएंगे यहाँ से। डिफेंडर पहाड़ों पर बहुत अच्छे चलते हैं। देखिए गाइस सब बगल में टनल भी है, और यहाँ पे रेनडियर भाग रहे गाइस, अगर आपने देखा हो तो। अब मैं इसको ये क्या मैंने तेज भगा दी यार। नहीं नहीं पलटी मत हो रही यार। चलो गाइस ये पलटने से बच चुकी है। हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं पलटती है। चलो इसको और तेज ले जाते हैं सामने। और गाइस हम रात को आए थे, यहाँ पे सुबह होने वाली। मैंने पूरी रात भर यहाँ पे ऑपरेटिंग करी है। मैं पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर लेके गया था गाड़ी को, मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ। मैंने सुना कि अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें साइड में बहुत सारे हिरन्स मिलेंगे, और साथ ही साथ में यहाँ पे हम वाइल्ड कैट्स भी देख सकते हैं। तो हम इसको और सीधे ले जाते हैं। सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, और हमारे डिफेंडर भी बिल्कुल अच्छे दिखाई दे रहे हैं रोशनी में। हम इसको ले जाते हैं धीरे धीरे। रोड बिल्कुल ऑफ रोडिंग वाला है गाइस। यहाँ पे गाड़ी के लिए मैंने ऑफ रोडिंग टायर नहीं लेते, इसलिए यहाँ पे जो मेरे वो है ग्रिप अच्छी नहीं आ रही। मैं इसको यहाँ पे साइड से नीचे ले जाता हूँ स्टार्टिंग वाले एरिया से। हाँ धीरे 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 ये आ गए हम यहाँ पे। देखिए गाइस ये कोई मेन रास्ता नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये देखिए गाइस हमारे साथ साथ में हिरन भी भाग रहे हैं, वो वापस ऊपर चला गया है। ये क्या एक खरगोश आया था गाइस, पता नहीं मैं उसके ऊपर चढ़ गया साइड से। अब मैं इसको और नीचे ले जा रहा हूँ, और मैं साइड में इसको ब्रिज के साइड से ले जाऊँगा गाइस। यहाँ से बिल्कुल मुझे आराम से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना ब्रिज है। ज़रा से भी अगर मैं गलती कर गया तो ये ब्रिज टूट सकता है। तो मैं इसको और आगे ले जाता हूँ गाइस, अब हम इससे नीचे जाएंगे। हाँ तो हम आ चुके हैं गाइस। अब सामने हिरन होंगे जहाँ तक है। अरे गिरता, अरे चलो बच गया गाइस। बहुत अच्छी इसकी हैंडलिंग है डिफेंडर की गाइस। अगर कोई दूसरी गाड़ी होती तो अभी तक तो नीचे पलट जाती। तो हम आगे जा रहे, सामने हिरन है गाइस। देखिए अरे ये क्या हिरन, उनको देख के भाग रहे हैं गाइस। क्या अरे हिरन हमारे साथ तो चलते नहीं है बिल्कुल भी। साइड में देखिए गाइस एक वाइल्ड कैट है, पहाड़ी शेर। देखिए गाइस मैं इसके पास ले जाता हूँ। हाँ आ गया आ गया। अरे नहीं ये तो जा रहा है, कोई नहीं उसके पास ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं गाइस ये तो पास ही नहीं जाएगी, डिफेंडर ऊपर जाएगी, नहीं जा रही। अरे ये तो पलट गई, तो उसको जल्दी से सीधे कर लेते हैं गाइस। डिफेंडर की तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है गाइस। चलो मैं इसको वापस करता हूँ, उसको सीधे ले जाता हूँ। उस साइड से चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अगर चढ़े तो ठीक है, वरना हम कहीं और चले जाएंगे। हाँ ऊपर आ गए। अरे नहीं ये तो चढ़ गई। अरे नहीं 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 नीचे गिर गया। अरे यार ऊपर चढ़ते नहीं। अरे ये क्या यहाँ पे तो लोग आ रहे हैं, ये लोग भी दिन में ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, पर हम तो रात को करके आते हैं गाइस। देखिए सामने और हिरन है हमारे सामने। ये एरिया बहुत अच्छा है गाइस, यहाँ पे बहुत जंगली जानवर दिखाई देते हैं। चलो मैं हिरन के पास ले जाता हूँ। हाँ अरे नहीं 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 पलट जाएगी, बच गई। डिफेंडर की कंट्रोलिंग बहुत ओपी गाइस, अज्जू भाई ओपी। हाँ तो मैं इसको यहाँ पास में ले जाता हूँ, थोड़ा बहुत फोटो वोटो खींच लेता गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम डिफेंडर को लेक के पास ले आए हैं, और इसके हम देखते पीछे पहाड़ के कैसे लगते हैं गाइस। व्यू बहुत अच्छा है। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।